हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियल मी बर्ड्स क्यू की। दिस इज़ न्यू इन मार्केट एंड इसका जो हमें फीडबैक मिला है वो काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि मैंने काफ़ी चेक किए हुए हैं बर्ड्स ऑलरेडी, लेट्स ट्राई दिस। पीछे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, 20 आवर लॉन्ग बैटरी लाइफ, 10 mm बास बूस्टर्स, लेटेंसी इसकी जो है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 119 ms है। यानी जो पबजी खेलते हैं वो जब गोली चलाएंगे तो उन्हें 5 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देगी। खैर एनीवेज, इसका जो प्राइस है वो है 2499, बट अमेज़ॉन में ये आपको मिलेगा 1999 का। एंड अमेज़ॉन की सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप डिलीवरी का टेंशन ना लें लॉकडाउन में। और इसे डिज़ाइन किया है जोज़ लेवी ने। जोज़ लेवी एक फैशन डिज़ाइनर है। बट चलिए लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग। ओके, गिरा तो नहीं? नहीं, इट्स ओके। देखने में तो काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है। लेट्स सी इसको कैसे पिक करें। ओके, तो हम इसे बाद में चेक करते हैं, पहले एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं। एक्सेसरीज में एक चार्जर दिया गया है, टाइप सी नहीं है तो फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, ये नॉर्मल चार्जर की पेन है, ठीक है। और लेंथ वाइज भी बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जर शायद लेनी पड़े। मेन अट्रैक्शन ये कहाँ से खुलेगा? ये यस वाला खुल गया फाइनली। तो देखने में तो बहुत ही छोटा सा है, और इस पे आप ध्यान देंगे तो ये रियल मी का लोगो भी बना हुआ है, ठीक है। साइज़ इसका बहुत छोटा है, ये आप हाथ में देखिए, ये बहुत छोटा है और आराम से पॉकेट में भी आ जाएगा। बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी ठीक है, बहुत सुपर एक्सेलेंट नहीं है, ठीक है। अब इतने में इतना ही आ सकता ना। और इसको खोलने का ट्राई कर रहा हूँ, खुल गया फाइनली। यस ओके, दीज आर ब्यूटी। तो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, साइज़ वाइज भी अच्छे हैं, साइज़ वाइज भी हैं, और ये मैग्नेटिक है तो गिरने का कोई चांस नहीं है। हाँ, तो ये फिक्स रहेंगे, ये काफ़ी अच्छे हैं, इजी टू कैरी, इजी टू यूज़। अब गाइस, इसका रिव्यू मैं आपको 3 दिन बाद देता हूँ, पूरा कंप्लीट रिव्यू पूरा सुनने के बाद। और अगर आपको कुछ सुझाव देने हो, कुछ और किसी चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी तरह के टॉपिक्स पे, तो हमें बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि हम हर चीज़ को रिव्यू करेंगे, नया चैनल है। तो प्लीज़ शेयर, लव, सब्सक्राइब, और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दोनों हमें अच्छे लगेंगे। अभी क्योंकि ये हमारे स्टूडियो से नहीं बन रहा है और नॉर्मल घर से बना रहे हैं, इसलिए इतना साउंड है बैकग्राउंड में, क्योंकि अब गाड़ियों को थोड़ी कोई रोक सकता है। चलिए, थैंक्स गाइस, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।